नमस्कार, अमृत टीवी न्यूज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका जीवन पर समर्पित है नवजात शिशुओं की सेवा में, और आपकी धर्मपत्नी भी जो है आपका सहयोगी है। कहा भी गया है कि किसी की सफलता में उनकी पत्नी का जो है सहयोग जो है वो सहायक होता है, तो इस संदर्भ में मैम आप क्या कहेंगी, अपना परिचय दे देंगी। मेरा नाम नीना मोटानी है जी, और मैं डॉक्टर श्रवण कुमार की बेटर हाफ हूँ जी। नीना मोटानी जी, आप डॉक्टर श्रवण कुमार जो कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बिहार के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवा में और उनके जीवन को बचाने में, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं बहुत ही अच्छा अनुभव करती हूँ नवजात शिशुओं की को जब कोई भी नवजात शिशु बचता है, और जब माता पिता जब खुश होते हैं कि अरे मेरा बच्चा बच गया, जिसकी कि उनको उम्मीद नहीं रहती है कि वो बच्चा बचेगा, और जब यहाँ पर आते हैं और इलाज से बच्चा बच जाता है, और जब जो उनके चेहरे का भाव होता है, एक बच्चे को पाने की खुशी, कृतज्ञता का भाव जो होता है, उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। मैं आज से नहीं 30 सालों से इस न्यूबॉर्न केयर सेंटर में काम कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से अपने पति के साथ सहयोग। नीना मोटानी जी, मुझे ज्ञात है कि आप लगभग 30 वर्षों से डॉक्टर सलमान कुमार की धर्मपत्नी रहते हुए उन्हें नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवा में सहयोग कर रही हैं। इस क्षेत्र में आपको डॉक्टर साहब को सहयोग करने की प्रेरणा कैसे मिली, और क्या कहते हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और मुझे मैं अपने पिछले 30 सालों को लगता है कि फिर से मुझे पीछे जाने को मजबूर किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डॉक्टर श्रवण कुमार के साथ चिकित्सा में, बच्चों की चिकित्सा में मैं सहयोग करूंगी। लेकिन इन्होंने आज से 30 साल पहले राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में जनता फ्लैट से शुरुआत की। कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक, तो हमारी कहानी वही है, फर्श से अर्श तक। जब इन्होंने शुरुआत की 1989 में, उस समय इनके पास कुछ भी नहीं था। हमने 1500 रुपये में एक मकान किराए पे लिया था, तो जिस दिन 50 रुपये आता था उस दिन हम सोचते थे कि चलो आज का मकान का किराया निकल गया। पहला बच्चा जब मेरे यहाँ एडमिट हुआ, तो उस समय स्ट्रगल का समय था। डॉक्टर श्रवण डॉक्टरों से मिलने के लिए जगह जगह जाते थे अब कि मैं इस तरह का कार्य कर रहा हूँ। तो जब बच्चा पहला एडमिट हुआ और ये किसी नर्सिंग होम में गए किसी लेडी डॉक्टर से मिलने, उस समय फ़ोन की भी सुविधा नहीं थी। अब अगर बच्चा एडमिट है और उसका जो फ्लूड चल रहा है वो ख़त्म हो गया, कभी बच्चे का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और जो पेशेंट जब रेस्टलेस होता था, मैं घर में रहती थी तब मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूँ। उस समय ना मोबाइल का ज़माना था, ना फ़ोन था, मैं कुछ खबर नहीं कर पाती थी। तो जो बच्चे के माता पिता की जो बेचारगी रहती थी, छटपटाहट रहती थी, तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस चीज़ को जानी रहती तो श्रवण के नहीं रहने पे भी मैं वो काम कर सकती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं सीखती चली गई। शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरू किया था, तो हमारे पास कंपाउंडर भी रखने की हैसियत नहीं थी। रात में जो पहला बच्चा आया था उसे हर दो दो घंटे पे दूध देना पड़ता था। अगर श्रवण दिन भर काम कर रहे हैं तो फिर रात में भी अगर वो दो दो घंटे पे जगते तो फिर दूसरे दिन वो काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे राइस ट्यूब से ट्यूब लगाकर दूध देना सिखा दीजिए। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने ट्यूब लगाकर बच्चे को दूध देना सीखा, और दो दो घंटे पे हम लोग ऐलान लगाते थे रात में भी, और पारी पारी से दूध हम लोग बच्चे को देते थे। तो राइस ट्यूब के लगाने से और दूध देने से मेरी पहली शुरुआत हुई, और उसके बाद जैसे जैसे समस्याएं उस
बच्चे में आती गई, इनके पीछे से जो देखना पड़ा मुझे, वो मुझे मोटिवेट किया कि अब तो मुझे ये सीखना ही। नीना मोटानी जी, आप डॉक्टर श्रवण कुमार के साथ नवजात शिशुओं की सेवा में हाथ बटा रही हैं और साथ ही साथ डॉक्टर श्रवण कुमार का मनोबल भी बढ़ा रही हैं, और एक तरह से कहा जाए कि डॉक्टर श्रवण कुमार सफल हैं इस क्षेत्र में, तो शायद आपका ही हाथ है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, अगर ये आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था उस समय कोई स्टाफ ट्रेंड नहीं था, उसको तरीका नहीं पता था कि नवजात शिशुओं को कैसे इंट्राकट लगाया जाता है, उसका क्या डोज होना चाहिए, नवजात शिशु की दवा की क्या डोज होनी चाहिए, केयर का पता नहीं था। तो धीरे धीरे जब मैं काम सीखते चली गई तो मुझे भी इसमें समझे कि मेरा मन इसी में रम गया, मुझे मज़ा आने लगा। और जब बच्चे ठीक होने लगे, उनके माँ बाप जब आशीर्वाद देने लगे, तो अंदर से एक दिली खुशी होती थी कि ना। और जब कोई बच्चा बीमार हो जाता था, जब नहीं ठीक होता था, तो लगता था कि कैसे ये बच्चा ठीक हो जाए। भगवान के से बोलती थी कि प्रसाद चढ़ाएंगे, हम लोग प्रसाद बोलते थे कि हे भगवान ये बच्चा ठीक हो जाए तो इसके लिए प्रसाद चढ़ाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं जुड़ती चली गई, साथ में आईसीयू में राउंड देना, दवा का क्या डोज होता है, किस बच्चे की को कैसे देखभाल करनी है, वो मैं सारा सीखती चली गई। तो आज जब मैं और डॉक्टर श्रवण कुमार जब हम लोग एक से दो मिल गए, तो हमारे में काम करने की ताकत आ गई और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को कर सके, मेहनत कर सके, जिसका फल यह हुआ कि जहाँ 99% बच्चे मरने वाले थे, वहाँ हमारी मेहनत से, दोनों की मेहनत से 90% बच्चे बचते थे, और मुश्किल से 5-10% जो बहुत सीरियस होते थे वही नहीं बच पाते थे। तो इस तरह से इतना मज़ा आने लगा और लगा कि इस सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा नहीं है। और बाद में स्टाफ भी ट्रेंड होते गए, लेकिन मैंने इस काम को कभी नहीं छोड़ा, और आज भी मैं साथ में काम करती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाए कि डॉक्टर श्रवण कुमार बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें नीना मोटानी जैसी धनपत्नी मिली है, और दोनों मिल करके नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन को बचा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें जो है डेडिकेटेड, मतलब कि कर्मठ जो उनके स्टाफ हैं, उनका भी सहयोग है इसमें, जो कि हमेशा 24 घंटे जो हैं सेवा में हाजिर रहते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ हैं जी, सब पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं जी, और एकदम बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसको उसकी सेवा करते हैं। बच्चा रोता है तो गोदी में लेके उसको चुप भी कराते हैं जी। तो बहुत ही मेहनत करते हैं जितने भी स्टाफ हैं, और आज उनकी मेहनत से ही हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बच्चे, रिकवरी रेट जो है उन्हीं की मेहनत से है। और मैं कहूँगा जी, जैसे इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि नहीं हमारा निवास स्थान इस नर्सिंग होम से अलग रहे, और इन्हीं की इच्छा थी कि जब हम काम करें तो 24 घंटा हम लोग बच्चों को सेवा दे पाए, और इसी के लिए हम लोग हर समय जो भी काम करते थे तो मेरा हर समय फर्स्ट फ्लोर पे निवास रहा और ग्राउंड फ्लोर पे मेरा नर्सिंग होम था। उसका एक कारण यह भी था, बीच में मैं बोलना चाहूँगी, कि मेरे भी 3 बच्चे थे जी। तो मुझे लगता था कि अगर मेरा निवास स्थान दूसरी जगह होगा तो मैं अपने घर और बच्चों को नहीं देख पाऊँगी। ऊपर नीचे होने से क्या होता था कि मैं दौड़कर ऊपर जाकर अपने घर और अपने बच्चों को भी देख लेती थी, और फिर नीचे आके अपना काम भी करती थी। तो इसलिए, और ऊपर नीचे का होने से, एक ही जगह रहने से, बच्चा कोई भी सीरियस हुआ तुरंत में हम लोग जाकर उस बच्चे को तुरंत देखकर उसकी जो जरूरत की जो सेवा होती थी वो तुरंत उस बच्चे को इलाज कर दिया जाता था। तो इसलिए ये एक ही रेसिडेंस में रहना और बच्चों का इलाज होना, ये हमारे लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों की जान अधिक से अधिक बचने का। और मैं कहूँगा कि एक एक हम लोग दो नहीं, 11 जी। इसलिए हम लोग का जो भी कार्य होता है बहुत अच्छा हो रहा है, और भगवान करे हम लोग का साथ बना रहे और पूरी तरह से हम लोग डेडिकेटेड
हम लोग नवजात शिशुओं की सेवा करते रहें और भी अच्छा काम करें, जिससे कि हम लोग का पूरा सेटिस्फेक्शन और लोग भी खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह नवजात शिशुओं की सेवा करते रहेंगे नीना उटानी जी के साथ, और आपका स्टाफ जो है वो भी डेडिकेटेड है सेवा के लिए। आप इसी तरह नवजात शिशु की सेवा करते रहें, स्वास्थ्य सेवा और उनके स्वास्थ्य का अधिकार की रक्षा करें, जीने का अधिकार की रक्षा करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ साथ ही पुरस्कारों की बारिश हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। मैं रंजन कुमार, अमृत दिन न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार। नमस्कार।